कटनी सिंधु नौजवान मंडल व त्रिपुरा फाउंडेशन इलाहाबाद के सौजन्य से आज नई बस्ती सिंधु भवन में विकलांगों जन्मजात विकृत बच्चों का निःशुल्क इलाज हेतु जांच कर उपचार हेतु चयन किया गया, जिसमें लगभग 100 मरीजों का जांच किया गया और उन्हें आगे इलाज हेतु रजिस्टर्ड किया गया है। ऐसे समाज सेवा गरीब पीड़ितों के लिए इस तरह की सेवा वाकई में सच्ची समाज सेवा है, जिसका लाभ निश्चय ही मिलने पर गरीब तबके के लोगों को मिलेगा। रिपोर्ट जाहिद हुसैन सिद्दीकी। कसरत कब से चल रही है? 2-3 महीने। कब दिखाए थे मेरे को आप? 2-3 महीने पहले। ये होता है इसकी समय पर इलाज कर दिया जाए, जब अच्छे अच्छे अपने घर पर चल रही है। हमारे देश में लगभग 40 लाख बच्चे हैं, हर जिले में हजारों बच्चे जाते हैं, जो कि ये सोच कर बैठ जाते हैं कि सरकार पास में कुछ नहीं हो पाया। निःशुल्क शिविर आज सिंधु नौजवान मंडल और त्रिशला फाउंडेशन इलाहाबाद के तत्वाधान में आज आयोजित किया है। आज करीबन 100 से 150 जन्मजात विकलांग बच्चे, जो जन्म से ही दिव्यांग पैदा हुए हैं, जिनको एक अंग या किसी की कमजोरी होती है, त्रिशला फाउंडेशन द्वारा लगातार, ये हमारा तीसरा वर्ष है, हम ये निःशुल्क शिविर कराते हैं और इसमें कटनी के करीबन 100 से 150 बच्चों को इलाज से ये सफल इलाज हुआ है। कब तक चलेगा ये आज हमारा शिविर? सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है और इसमें स्वल्पाहार, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और यात्रियों की व्यवस्था भी रखी गई है, और डॉक्टर साहब जो इलाहाबाद बॉम्बे से वगैरह उनकी व्यवस्था भी रखी गई है। और डॉक्टर साहब नितिन कुमार जैन, इलाहाबाद, त्रिशला फाउंडेशन। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी यार? करीबन 98 से 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सका है, और जो भी बच्चे और आएंगे हम सबका आज चेकअप।